हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। आज भारत में हर तरफ विकास की लहर है। देश में कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक शानदार कदम है। हर साल कई सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, साथ ही नए प्रोजेक्ट्स भी चालू किए जाते हैं। तो हम उन्हीं में से पांच ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जो इसी वर्ष यानी 2023 में कंप्लीट होकर देश की सेवा में समर्पित कर दिए गए हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। नंबर पाँच, बेलगावी रेलवे स्टेशन बेलगाम कर्नाटका। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, लेकिन सरकारों की उदासीनता के चलते यहाँ की स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी देखी जाती है। स्टेशनों की इमारतें खस्ताहाल हो चुकी है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने देश के स्टेशनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडेवलपमेंट करने का काम शुरू किया है, जिसके तहत सैकड़ों स्टेशनों को नया रूप दिया जा चुका है। उसी कड़ी में बेलगावी रेलवे स्टेशन, जिसे पहले बेलगाम रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता था और जिसका स्टेशन कोड BGM है, भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक अगला कदम है। यह है साउथ वेस्टर्न रेलवेज यानी दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत हुबली डिवीज़न में आता है और बिजी लौंडा मिराज सेक्शन पर स्थित है। भारतीय रेलवे ने देश भर में रेलवे स्टेशनों के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए एक टारगेट रखा है। इसी कड़ी में कर्नाटक के बेलगावी रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम 2023 में 191 करोड़ के लागत से पूरा किया जा चुका है। इसके मेन स्टेशन बिल्डिंग का G+3 स्ट्रक्चर 45 करोड़ में बनाया जा चुका है, जिसमें AC तथा नॉन AC रिटायरिंग रूम्स, डॉर्मेटरी रूम्स, वेटिंग रूम्स और फूड कोर्ट भी बनाया गया है। साथ ही यहां 3 एस्केलेटर भी लगाए गए हैं, जिनमें 2 एस्केलेटर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और 1 एस्केलेटर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगाया गया है। और पैसेंजर्स के लिए, खासकर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए, 2 लिफ्ट भी लगाए गए हैं, जिनमें से 1 लिफ्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और 1 लिफ्ट प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर इंस्टॉल किया गया है। साथ ही इसके पार्किंग में मार्क्ड पार्किंग स्पेस का भी प्रावधान रखा गया है, जहाँ 2-व्हीलर और 4-व्हीलर के लिए अलग अलग पार्किंग स्पेस मार्क किया गया है। नंबर 4, सियोम ब्रिज अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा पड़ोसी देश चीन इन दिनों सीमा पर अपनी हरकतों को दिन ब दिन बढ़ा रहा है और बॉर्डर एरिया में अपने सेनाओं को बढ़ाने के साथ ही वहां की भौगोलिक स्थिति में भी बदलाव करके अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है। इसलिए भारत सरकार के लिए भी अपनी सीमावर्ती इलाकों को डेवलप करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। इसी के तहत यह ब्रिज अरुणाचल प्रदेश के अलो यिंग कियोंग रोड पर सियोम नदी के ऊपर बनाया हुआ 100 मीटर लंबा क्लास 70 स्टील आर्च ब्रिज है। एक ऐसा राज्य जो चीन के साथ 3000 किलोमीटर से ज़्यादा का LOC बॉर्डर शेयर करता है, उसके लिए यह ब्रिज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह ब्रिज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO द्वारा 724 करोड़ के लागत से भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर के इलाके में बनाए जा रहे 27 प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसका उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों 3 जनवरी 2023 को किया गया था। इस क्लास 70 स्टील आर्च ब्रिज पर 70 टन से ज़्यादा लोड की गाड़ियाँ जा सकती है, जिससे सेना के अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में स्थित फॉरवर्ड बेस पर सेना की टुकड़ी को राशन, हथियार और भारी मशीनरी जल्द से जल्द पहुंचाने में मदद करने के साथ ही इस क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नंबर 3, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला ओडिशा। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हॉकी को हमारे देश के राष्ट्रीय खेल के रूप में जाना जाता है, लेकिन भारत में इस खेल की स्थिति के बारे में आपसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी स्थिति को देखते हुए
ओडिशा राज्य ने इस खेल को अपना सपोर्ट देते हुए इसका स्पॉन्सर बनने का प्रस्ताव रखा और सफल भी हुआ। भारत में इस खेल को बढ़ावा देने के लिए ही इस स्टेडियम का निर्माण किया गया है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला भारत के ओडिशा राज्य के राउरकेला में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है। इस स्टेडियम का नाम प्रसिद्ध आदिवासी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। इसकी फुल कैपेसिटी 21,800 लोगों के बैठने की है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्शक क्षमता वाला हॉकी स्टेडियम है। साथ ही यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। इसका शिलान्यास वर्ष 2021 में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा किया गया था। साथ ही इसका उद्घाटन भी वर्ष 2023 में उन्हीं के द्वारा किया गया। इस स्टेडियम को 260 करोड़ के लागत से 15 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इसे खासकर 2023 के मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए बनाया गया था, जिसके सफलतापूर्वक मेजबानी के बाद अब इसमें इंडियन नेशनल लेवल के खेल खेले जाएंगे। नंबर 2, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर मुंबई। आपको पता ही होगा कि अंबानी परिवार देश के सबसे अमीर परिवार होने के साथ ही दुनिया के टॉप 10 अमीरों में आता है, जिसका घर एंटीलिया देश का सबसे महंगा घर है। साथ ही जिसने भारत में जियो के जरिए इंटरनेट क्रांति लाई, उसी के द्वारा देश में एक ऐसा सांस्कृतिक स्थल खोला गया है जहां देश विदेश के लोग भारतीय कलाओं के बारे में जान सकेंगे। यह देश का पहला मल्टीडिसिप्लिनरी कल्चरल सेंटर है, जहां देश के बेस्ट संगीत, रंगमंच, कला और शिल्प को देश और दुनिया के ऑडियंस के सामने पेश किया जा रहा है। इसमें 3 आर्ट स्पेसेस यानी कला स्थान है, जहां कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें पहले स्थान पर विशाल 2000 सीटों वाला द ग्रैंड थिएटर है, जहां शो, संगीत और नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे। दूसरे स्थान पे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला 250 सीटों वाला द स्टूडियो थिएटर है, जहां संगीत, नृत्य प्रदर्शन, साहित्यिक कार्यक्रम और नाटक होंगे। 125 सीटों वाला द क्यूब तीसरे स्थान पर आता है, जहां नए टैलेंट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। यहां कन्वर्सेशन और डायलॉग्स रिलेटेड शो यानी कि बातचीत और संवाद संबंधी शो होंगे, जिसमें वर्कशॉप, स्क्रीनिंग, स्पोकन वर्ड और बुक रीडिंग्स भी होंगे। साथ ही इसमें एक 4 मंजिला द आर्ट हाउस है, जिसे ग्लोबल म्यूजियम के स्टैंडर्ड से बनाया गया है, जहां देश और दुनिया के सारे अच्छे आर्ट्स का कलेक्शन होगा। और इस बिल्डिंग के सामने के ओपन एरिया का नाम धीरू भाई अम्बानी स्क्वायर रखा गया है, जो एक बड़ा सा ओपन स्पेस है, जहां एक बड़ा सा फाउंटेन है जिसका नाम फाउंटेन ऑफ जॉय रखा गया है, जहां डांसिंग फाउंटेन शो दिखाया जाता है। इसका उद्घाटन 31 मार्च 2023 को नीता अंबानी द्वारा किया गया था। इसके ओपनिंग सेरेमनी में स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें 3 ब्लॉकबस्टर शो का भी आयोजन किया गया था। उसमें पहला शो था द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल सिविलाइजेशन टू द नेशन। यह एक म्यूजिकल थिएटर शो था, जो ग्रैंड थिएटर जहां 2000 लोगों के बैठने की जगह है, उसी थिएटर में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा शो इंडिया इन फैशन किया गया, यह एक फैशन और कॉस्ट्यूम शो था। तीसरा शो था संगम, यह एक विजुअल शो था जो आर्ट हाउस में परफॉर्म किया गया। अब इस जगह पर हर दिन अलग अलग शो दिखाए जाते हैं, जिसे टिकट लेकर देखा जा सकता है। नंबर 1, द पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली। हमारे देश को आज़ाद हुए आज 75 साल से ऊपर हो गए। हमारा संसद, जहाँ से पूरे भारत का तंत्र चलता है, लगभग 100 साल पुरानी हो चुकी थी। इस संसद में सांसदों के बैठने के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। साथ ही भारत जैसे डेवलपिंग देश की जरूरतों को पूरा करने लायक इसमें साधन मौजूद नहीं थे। इसमें और कई ऐसे भी उदाहरण हैं जब इसकी छत टूटकर लोगों के सिर पर गिर गई थी, जिसकी वजह से छतों को लोहे की जाली से ढक दिया गया था। साथ ही 2026 के बाद संविधान के अनुसार सांसदों की संख्या को बढ़ाया जाना है, जो पुराने संसद भवन में संभव नहीं होता। यही सब वजह है जिनकी वजह से नए संसद भवन को बनाना अत्यंत आवश्यक हो गया था।
पार्लियामेंट हाउस को संसद भवन भी कहा जाता है। इसमें दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। यह रफी मार्ग पर स्थित है जो पुराने संसद भवन के बगल में ही है। इस संसद भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 मई 2023 को किया गया था। यह सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। यह भवन एक 4 मंजिला बिल्डिंग है जिसे 7 लाख स्क्वायर फीट में 970 करोड़ रुपए के लागत से द टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन अहमदाबाद की कंपनी HCP डिज़ाइन द्वारा किया गया है। साथ ही इसके प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बिमल पटेल को दी गई थी। इस भवन में एक राज्यसभा चैम्बर है जिसका थीम राष्ट्रीय पुष्प कमल को आधार में रखकर डिज़ाइन किया गया है, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 384 सांसदों की है, जो कि पुराने राज्यसभा के 245 सांसदों की सिटिंग कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही इसमें एक लोकसभा चैम्बर भी है जिसका थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर के रूप में रखा गया है, जिसमें लोकसभा के 888 सांसदों के बैठने की कैपेसिटी है। साथ ही ज्वाइंट सेशन के समय इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को मिलाकर टोटल 1277 सांसद बैठ सकते हैं, जो कि पुरानी लोकसभा के 552 सीट से 2 गुने से भी ज़्यादा है। दोनों सदनों में फुल्ली डिजिटल पेपरलेस काम होता है, जिसके हर सीट पर मॉनिटर, स्पीकर और माइक है, जिसका कंट्रोल स्पीकर के हाथ में होगा। इस भवन के सेंटर में एक विशाल कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है जिसकी हाइट बिल्डिंग के फुल हाइट के बराबर है, जिसके ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में घुसने के लिए 3 तरफ से एंट्री दी गई है। इस हॉल में देश के संविधान और संसद की हिस्ट्री डिजिटल रूप से प्रेजेंट की गई है, जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। भवन के हर एक फ्लोर में मिनिस्टर्स के लिए ऑफिस और कमेटी चैम्बर्स हैं। इसके फर्स्ट फ्लोर में कैंटीन की सुविधा रखी गई है, जहाँ MP VIP और अन्य लोग खाना खा सकते हैं। इसमें एक कमांड सेंटर भी बनाया गया है, जहां से पूरे बिल्डिंग के सिक्योरिटी और मैनेजमेंट तथा दोनों सदनों के कार्रवाई पर नज़र रखी जा सकेगी। इस भवन में टेक्नोलॉजी का पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें CCTV, फायर फाइटिंग सिस्टम, AC इत्यादि का एडिशन किया गया है, जो पुराने बिल्डिंग में पहले से उपलब्ध नहीं था, जिसे बाद में लगाया गया था, जिसकी वजह से बिल्डिंग कमज़ोर हो गई थी, जिसने न्यू बिल्डिंग की ज़रूरत को और भी बढ़ा दिया था। इसमें पार्किंग स्पेस का भी खास ख्याल रखा गया है। इस बिल्डिंग में लगाई गई सारी मटेरियल्स देश के हर एक कोने कोने से मंगाई गई है। साथ ही इसमें सनातन धर्म और वास्तुशास्त्र पर आधारित लगभग 5000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ रखी गई है, जो पेंटिंग, सजावटी कला, दीवार पैनल, पत्थर की मूर्तियां और धातु की वस्तु के रूप में पूरे बिल्डिंग में दर्शाया गया है। सबसे आकर्षित करने वाली चीज़ जो मुझे लगी वो है अखंड भारत का मैप, जिसे इस बिल्डिंग में प्रमुखता से दर्शाया गया है। आपको इस बिल्डिंग का क्या पसंद आया और आप क्या सोचते हैं इस नए संसद भवन के बारे में? साथ ही इन सारे मेगा प्रोजेक्ट्स में से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। साथ ही इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।